हेलो गेमर्स, माय नेम इज अबू। वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन 2। अभी हम इस गेम का कैंपेन मोड खेल रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने एक कैंपेन को कंप्लीट करा था। आज हमारा एक और कैंपेन होने वाला है, जहां पे हमको आई थिंक एक बर्फीली जगह पे जाके कुछ डायनासोर्स को बचा के लेके आना है। तो ये उन डायनासोर्स का आई थिंक केज है, और ये डायनासोर्स केज के बाहर है, और यहाँ पे पावर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमको आई थिंक ये पूरे डायनासोर के केज को पार को हमको मैनेज करना पड़ेगा, और जो केजेस वगैरह टूटे उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया मैं। लेट्स गो। अभी सबसे पहले पार्क क्लोज है, और ये हम यहाँ पे आई थिंक आ चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर को आई थिंक हमको लैंड करना पड़ेगा कहीं पे। नहीं, सबसे पहले उनको ट्रैंकुलाइज ही करना है, मतलब उनको बेहोश करना है। टोटल दो डायनासोर्स है यहाँ पे, तो ये बहुत इजी है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। ले भाई, कहाँ पे ट्रैंकुलाइज? सुप्ला शॉट नहीं, ये सुप्ला शॉट नहीं, सुप्ला शॉट। ओ लगा, सुप्ला शॉट लगा उसको। ये आओ, एक और लगा भाई। वो काफी अग्रेसिव है, उसने केज को तोड़ दिया। हो जा भाई बेहोश, अबे गधे बेहोश हो जा। ओ भाई, ये कुछ ज्यादा ही डेंजर लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ऐसा हवा में आ रहा। तो ओ नो गाइज, दे आर सो एक्टिव। 100% सक्सेसफुल। ओके, एक तो डाउन हो गया, अभी इसको डाउन करते हैं। बस उस केज को तोड़ियो मत, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अबे कहाँ पे गया, कहाँ पे गया भाई गधा कहीं का? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। भागियो मत, भागियो मत, भागियो मत। अरे भाग मत। ओके, हिट हो गया, हिट हो गया। ओके, लगभग मैंने दोनों साइंस उसको गाइज अभी यहाँ पे बेहोश कर दिया है। एंड नाउ इसके बाद आई थिंक हम इसको लैंड कर सकते हैं। तो अभी हमको एक अराइवल पॉइंट, कंट्रोल सेंटर एंड एक बैकअप जनरेटर बनाना है। ठीक है, समझ गया मैं। अभी यहाँ से ये हेलीकॉप्टर चला जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ये डायनासोर्स की हालत कैसी है। दे आर ओके, आई थिंक वो ठीक है, उनको कुछ हुआ नहीं है, वो बस बेहोश हुए। तो इनके जगने से पहले मुझे सबसे पहले यहाँ बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक अराइवल पॉइंट बिल्ड करना है। ये आ गया अराइवल पॉइंट। सो वेयर शुड वी बिल्ड दिस? एक काम करते हैं, सबसे पहले जो केजेस है ना पुराने वाले, ये सारे केजेस को इधर से मैं हटा देता हूँ। ये केजेस की इधर कोई भी जरूरत नहीं है। ये वाले केज के ऊपर हम ये वाला अराइवल पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही डायनोज है, तो ज़्यादा केजेस की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर के सारे केजेस हम डिलीट कर देंगे जस्ट लाइक दिस, और इसके बीच में हमारा एक अराइवल पॉइंट रहेगा। तो ये यहाँ पर मैंने अराइवल पॉइंट बिल्ड कर दिया। उसके बाद हमको एक कंट्रोल सेंटर बिल्ड करना है। कंट्रोल सेंटर इधर बना दिया मैंने। तो लगभग मैंने दो मेन बिल्डिंग्स को इधर बिल्ड कर दिया है, ये वाले पार्क को मैनेज करने के लिए। एंड नाउ अभी हमको एक बैकअप जनरेटर बिल्ड करना है, जो कि ये सारी जगह को पावर देगा। तो बैकअप जनरेटर आई थिंक इधर होना चाहिए, या इधर बना दिया तो आई थिंक सब कुछ मतलब मीन सबको पावर मिल जाएगा। तो ये बैकअप जनरेटर इधर रहेगा। मैंने सारी जो भी मेन बिल्डिंग्स होती है वो सारी यहाँ पे भी बिल्ड कर दी है। एंड नाउ इसके बाद मुझे आई थिंक इन डायनासोर्स को यहाँ पे केज के अंदर रखना पड़ेगा। इसका रोड का कनेक्शन इधर आएगा। ओके, तो मैंने रोड कनेक्शन भी करवा दिए, हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। और अभी हमको हमारा मैनेजर हमारा बॉस वापस से कुछ बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेशनल रिस्पांस फैसिलिटी। ओ, रिस्पांस फैसिलिटी भी बिल्ड करनी है। ठीक है भाई, रिस्पांस फैसिलिटी हमारी फिर यहाँ पे होगी। ये मैंने रिस्पांस फैसिलिटी भी बिल्ड कर दी है, एंड इसको भी मुझे रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका रोड, इसका मुंह किधर है? ओके, इधर से। तो ये इसका रोड का कनेक्शन इधर से आएगा। इधर यार मेरा इसको केज को ना हटाना पड़ेगा थोड़ा। एक सेकेंड रुको बस, ये वाला केज यहाँ से डिलीट करते हैं, एंड अभी हमारा रोड इधर बन जाएगा। तो रिस्पांस फैसिलिटी का रोड इधर से, ये रोड यहाँ पे आएगा। रोड का कनेक्शन मैंने कर दिया, एंड अभी आई थिंक मुझे यहाँ पे केज को वापस से बिल्ड करना पड़ेगा हमारे नए डायनोस को रखवाने के लिए। तो इधर के सारे गेट्स को मैं हटाने वाला हूँ, यहाँ पे एक नया प्रॉपर गेट बनाते हैं। एक गेट इधर रहेगा, एंड दूसरा गेट इधर रहेगा। गेट्स लगा दिए मैंने, एंड अभी बस इनको मुझे टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। ये वाला डायनो आएगा इसके अंदर, एंड ये तो ऑलरेडी उधर ही है। तो ठीक है, क्या मुझे इसको भी उठा के लेके जाना पड़ेगा भाई? आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। गेम का थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। एक डायनो उसके इंक्लोजन के आ चुका है, और दूसरा डायनो इसको भी उठाना पड़ेगा क्या? यार ये तो ऑलरेडी उसके केज के अंदर है, आई थिंक हमको हर बार करना होता ही है। ठीक है, तो इसको भी उठा के यहीं पर रखवाते हैं। रिक्वायर स्टेटस चेक। स्टेटस चेक करने के लिए हमको यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे होती है भाई? वो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा स्टेटस चेक करने के लिए। हाँ, ये रही गाड़ी भाई। अभी इसका डायरेक्ट कंट्रोल लेते हैं और इसका स्टेटस चेक करते एक बार। R2M, या इसका स्टेटस कंट्रोल करते हैं। स्टेटस चेक कर लिया, इसको लोनली फील हो रहा है। यहाँ पे एक फीडर लगा दिया, एक फीडर यहाँ पे लगा दिया। ओके, एंड यहाँ पे देखो भी बकरी आ गई, आई थिंक ये इसको खाएगा। लेट मी चेक, बकरी भाग रही है भाई। खा रहे, तेरे को भूख लगी है क्या? आई थिंक जब तक इसका कम्फर्ट लेवल परफेक्ट नहीं होता तब तक ये खाना नहीं खाएगा। ओ, वो बकरी को खा रहा है। वो भाई, उसने पूरी बकरी खा ली। This is crazy, man.
ओ भाई भाई भाई, ये वाइल्ड डायनासोर सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते यार। अब यहाँ पे बहुत तेज गाइस बर्फ पड़ रही है एंड ये जो डायनोज है इनको भी लोनली फील हो रहा है। देखो यहाँ पे लोनली फील हो रहा है। सो अगर मैंने इनका ये जो हैबिटेट है इसको एक ही कर दिया तो कैसा चलेगा, तो कैसा रहेगा? तो मैं सोच रहा हूँ इसको क्यों ना एक ही बना दे फिर। ये इसको कनेक्ट होगा तो अभी इनका एक ही गेट रहेगा यहाँ पे। लेट्स चेक, अभी मैंने इनका इनक्लोजर एक ही कर दिया है गाइस। सो आई होप अभी इसका हो जाएगा सिक। हाँ भाई, अभी इनका लोनलीनेस गाइस यहाँ से चला गया, अभी बस इनको सैंड थोड़ी सी चाहिए। ओके ओके ओके, तो इनका भाई एक ही इनक्लोजर बनाना था, ये मेरे को भाई पहले बता देते तुम लोग। तो अभी इनको सैंड चाहिए तो ये भाई पूरी एरिया में सैंड ही सैंड कर देता है। मैं पानी के चारों तरफ सैंड रही गई, आई थिंक इनको बर्फ़ ज़्यादा पसंद नहीं है। आई थिंक ये दोनों फ्रेंड्स है फिर, मुझे लगा था भाई इनको अलग अलग रखवाना है हमको, बट ऐसा नहीं है, एक ही जगह पे रखना था। अभी आई थिंक हो जाएगा, 100% हो गया भाई। या स्टेटस चेक हो गया 100%। अभी आई थिंक ये हमारा सॉल्व हो जाएगा पूरा प्रॉब्लम हमारे डायनो का। आर यू ओके ब्रो नाउ? ओ भाई क्या डरावना लग रहा है, बकरी खाते हुए तो भाई और भी डरावना लगता है। या इनका कंफर्टेबल हो गया, नहीं मारामारी नहीं, ये भी मारामारी काहे कर रहे? अरे भाई भाई ये मारामारी क्यों एक साथ रखा, तो मारामारी भी कर रहे हैं। ओ भाई साहब, बट आई थिंक ये दोनों फ्रेंड्स ही है वैसे। और अभी हमको क्या करना, इंश्योर द कार्नोटायरस नाम है इसका, इनको विजिबल फॉर्म रिसर्च व्यू गैलरी। अभी हमको यहाँ पे रिसर्च गैलरी बिल्ड करनी है क्या? रिसर्च व्यू मेडिकल फैसिलिटी है ये, रिसर्च गैलरी कहाँ पे होती है फैसिलिटी? हाँ रिसर्च व्यू गैलरी, तो इसको हमको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे इनको लोग देख सकते हैं। तो रिसर्च व्यू गैलरी आई थिंक यहाँ पे लग सकती है। लगा दी मैंने एक रिसर्च व्यू गैलरी और इसका यहाँ पे जल्दी से एक पैथ भी बिल्ड कर देते हैं फिर। तो इधर से पैथ इस तरफ आएगा जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे इसको कनेक्ट होगा। लाइक मैंने रिसर्च व्यू गैलरी भी की मस्त यहाँ पे बना दी है एंड नाउ लेट्स सी एक बार डायनोस का यहाँ से व्यू लेते हैं भाई कैसा लग रहा है, बढ़िया दिखने में। वाह दिस इज क्रेजी भाई, देखो क्या डरावने लग रही है, बकरी खाते हुए तो भाई और भी प्यारे लगते हैं सीरियसली। तो अभी यहाँ पे मैंने एक रिसर्च व्यू गैलरी बिल्ड कर दी है एंड ये दोनों आई थिंक पहले से फ्रेंड्स है तो ये ज़्यादा लड़ेंगे नहीं। अभी क्या है, सर्च फॉर साइन ऑफ डेंजरस एस्केप डायनासोर। ओ एक डायनासोर एस्केप हुआ है डेंजरस वाला, वो भी तुम इसको पकड़ना है। हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकता क्या, मुझे गाड़ी लेके जाना है। ओके भाई भाई भाई, तो अभी हमको उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा जंगल के अंदर। भाई एक तो डर लग रहा है मुझे, आई मीन भाई पूरे एरिया में अकेले है यहाँ पे, बट हमको जाना पड़ेगा। मैं हमारे पास हमारी टीम है तो डोंट वरी, अभी देखते हैं भाई जंगल के अंदर तो जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वैसे काफ़ी बढ़िया है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द डायनो। ओ ये क्या है, ओ इसको देखे हम एनालाइज कर सकते, ओ स्कैनिंग। ओ आई थिंक ये वाले पेड़ को थोड़ा सा ये सस्पिशियस लग रहा है, मतलब उस बड़े डायनो ने आई थिंक इसको तोड़ा होगा उस पेड़ को वगैरह। भाई क्या नज़ारा है यार, सीरियसली बहुत प्यारा गेम है ये, देखो कितने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं। तो अभी गाड़ी लेके चलते हैं उस डायनो के पास यहाँ पे। ओ एनालाइज, वो एक मरा हुआ हिरन पड़ा है, आई थिंक डायनो ने ही खाया होगा उसको। हम एकदम राइट डायरेक्शन पे, लेट्स गो, देखते वो कितना बड़ा है और काफ़ी डेंजरस था वो। तो इधर इस किधर होगा आई थिंक, वेयर आर यू ब्रो? भाई क्या नज़ारे है यार, सीरियसली मज़ा आ गया। यहाँ पे भी एक कुछ जानवर मरा पड़ा आई थिंक, नहीं ये नॉर्मल डायनो। ओ यहाँ पे भी एक बड़ा सा ट्री, आओ भाई यार मेरी कार का दरवाज़ा टूट गया। एक बार इसका ना व्यू चेंज करते हैं, स्विच कैमरा मुड़ा, यहाँ से ऐसे चलाते हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आएगा। नहीं नहीं नॉर्मली रखते भाई, कब पता चले वो आ जाए सामने से। ओ वेट इधर ही आई थिंक वो, ओ इधर ही है भाई साहब, उसके शरीर पे देखो कितने सारे स्कार्स है। ओ नो भाई उसको बहुत लगा, आई थिंक उसने मारामारी करी है भाई, मेरे को गूज़बम्स आ रहे पता नहीं क्यों। नहीं वो अटैक नहीं करेगा, भागो भागो इधर से, जल्दी से भागते हुए बहु। ओके अभी क्या करना है, ओ अभी आई थिंक इसको ट्रैंकुलाइज करना है। या आई नो अबाउट इट, कहाँ पे गया वो? वो भाग रहा है। अरे यार अगर इतनी तेज भागेगा तो कैसे करेंगे हम लोग ट्रैंकुलाइज उसको, बट आई एम एक्सपर्ट सुप्ला शॉट मारने में। सुप्ला शॉट, अरे नहीं अरे थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा, वो हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहा है अभी। सुप्ला शॉट, नहीं ही इज फास्ट एएफ। अबे चलना हेलीकॉप्टर, जल्दी से चलियो।
100% डायनासोर डाउन हो चुका है और अभी आई थिंक हम इसको क्या करना है, इंश्योर द अलोसोरस नाम है इसका, इज सेफली इनक्लोज्ड परफॉर्म सिक्योरिटी चेक अलोसोरस। ओके तो अभी इसके लिए हमको यहाँ पे एक इनक्लोजर बनना कर, मतलब बनाना पड़ेगा अलोसोर के लिए। तुम्हारा ये इधर है ना, यहाँ पे, तो अभी इनको इनके लिए एक अलोसोरस के लिए एक नया केज बनाना है इनक्लोजर। तो उसका इनक्लोजर किधर बने अभी हम लोग, यार इनके लिए तो मैंने यार काफ़ी बड़ा एरिया बना दिया, सो वेयर शुड वी बिल्ड इट। एक काम करते इधर बिल्ड करते इधर, हाँ यहाँ से बिल्ड होगा हमारा अलोसोरस के लिए। काफ़ी अलग सा नाम है बट इसका एरिया इधर रहेगा हमारे अलू के लिए, अलोसोरस हमारा। यही गो, यहाँ तक आएगा इसका ऐसा एरिया, बस ये बागे बनाएंगे यहाँ से। तो ये अलोसोरस का एरिया तैयार हो गया एंड अभी बस यहाँ पे एक गेट बिल्ड करते हैं जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे गेट रहेगा। एंड अभी मुझे एक रोड का कनेक्शन भी करना पड़ेगा, तो रोड का कनेक्शन इधर से लेके आना पड़ेगा अभी, नो प्रॉब्लम। ओके रोड का कनेक्शन कर दिया मैंने एंड अभी बस उस अलोसोरस को यहाँ पे डिलीवर करते हैं। कहाँ पे था वो, वो इधर है, काफी दूर है ये। हाँ ये रहा, काफी बड़ा था भाई इस बार, आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल है ये। और इसको शिफ्ट करते हैं उसके नए इनक्लोजर के अंदर जो कि ये वाला है, लेट्स गो। मैंने भी यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी है उसको कलेक्ट करने के लिए कि उनका थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं एंड यहाँ पे लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। तो अभी हमें ये वाला भी जो पार्क था डायनोस का उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे बना दिया है। एंड अभी यहाँ पे भी इनका इनका स्टेटस चेक रिक्वायर्ड है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक पोस्ट लगाते हैं ना भाई, वो वाली रिस्पॉन्स फैसिलिटी हमारी, ये यार रेंजर पोस्ट हमको यहाँ पे लगानी चाहिए। अगर हम रेंजर पोस्ट लगाते हैं ना तो हमें हमारे रेंजर्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको चेक करने के लिए जाते हैं भाई। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ऐड टास्क और इसको इसके अंदर बस ऐड कर दो। या तो अभी यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली भी इसको यहाँ पे चेक करते रहेंगे। एंड मुझे इधर भी एक रेंजर पोस्ट फिर लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी इसके इंक्लोजर के अंदर भी एक रेंजर पोस्ट चाहिए हमको। तो रेंजर पोस्ट अभी कहाँ पे थी, अभी भी तो मैंने देखी थी यहाँ पे, ये रही रेंजर पोस्ट एक यहाँ पे। एंड ये वाले भी अलोसोरस के लिए भी यहाँ पे एक बकरी होनी चाहिए, बकरी कहाँ पे, यहाँ पे रहेगी, परफेक्ट। मैंने यहाँ पे भी एक फीडिंग स्टेशन लगा दिया हमारे अलोसोरस के लिए। आई थिंक ये लोग उसको लेके आ रहे हैं, आ रहे, देखो आ रहे वो। और इनका सिक्योरिटी स्टेटस चेक हो गया क्या, रिक्वायर अबे यार चेक कर दो। इसका सिक्योरिटी स्टेटस चेक कंप्लीट हो चुका है बट यहाँ पे इसके ऊपर एक साइन आ रहा है, अनडायग्नोस्ड कंफर्ट। ओके इसको गेम में कुछ हुआ है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ बनाना है इसको ठीक करने के लिए भी हमको। What should we do? I'm going to need a paleomedical facility. Oh, medical facility. Okay. तो आज के एपिसोड में एक नई चीज अनलॉक हुई है, मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि इसको भी कुछ हुआ है आई थिंक, इसकी हड्डी वगैरह टूटी आई थिंक। ओके समझ गया मैं। तो अभी हमको यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी बिल्ड करनी है, प्री मेडिकल फैसिलिटी। ये आ गई मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी गेमर्स का हमारा इधर रहेगा, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी रहेगी जस्ट लाइक दिस। मैंने बिल कर दी और अभी यहाँ पे बस इसका रोड का कनेक्शन कर देते हैं। तो अभी हम डायनो को आई थिंक ठीक करेंगे, इसका कुछ हड्डी वगैरह टूटी आई थिंक। देखो ये यहाँ पे खाना वगैरह भी खा रहा है, अच्छी बात है भाई, अच्छे से खाना वगैरह खाइए। उसके ऊपर काफ़ी बर्फ पड़ी है बट भाई वन ऑफ द डेंजरस डायनासोर है सीरियसली, इसके शरीर के ऊपर कितने सारे स्कार्स पड़े हैं देखो। वाओ क्या व्यू है, जस्ट लुक एट हिम, दिस इज सो क्रेजी भाई। उसके पूरे शरीर पे इतने सारे स्कार्स है, वो इस डायनासोर को ना बहुत ओपी बनाता है। हमारी मेडिकल फैसिलिटी आई थिंक तैयार हो चुकी है, अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल यूनिट ऐड टास्क, ये वाले रेंजर पोस्ट आई थिंक सिलेक्ट करनी है। या सिलेक्ट कर दी मैंने, तो आई थिंक यहाँ से हमारी हमारी टीम जाएगी उसको चेक करने के लिए। हाँ ओके यही जा रही है वहाँ पे, ऑटोमेटिकली डील विथ अ डायनासोर हेल्थ इशू। ओके ये लोग ऑटोमेटिकली उसका हेल्थ का चेक करेंगे। अभी हमारी यहाँ पे एक मोबाइल वैन आ रही है, आई मीन एम्बुलेंस काइंड ऑफ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसको वैसे फॉरेस्ट चाहिए। ओ मेजर फ्रैक्चर, इसकी हड्डी ही टूटी है, तो इन्होंने चेक कर दिया। और इसका भी सबसे पहले एक बार कम्फर्ट लेवल कम्प्लीट करते हैं, इसको फॉरेस्ट चाहिए यहाँ पे। तो यार सबसे पहले इसका फॉरेस्ट लेवल कम्प्लीट करते हैं। तो ये जो वैन है वो जाके डायनासोर का हेल्थ केयर हेल्थ स्टेटस चेक करेगी, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ। तो अभी इन्होंने पता लगाया कि उसकी हड्डी टूटी है, देन उसके बाद अभी हमको इसको आई थिंक इधर लेके आना पड़ेगा। बट उससे पहले भी मुझे इसका एक बार
कंफर्ट लेवल हमको प्रॉपर करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको फॉरेस्ट चाहिए। ये गेमर्स मैंने यहाँ पे एक और फीडिंग स्टेशन लगा दिया क्योंकि इसको बकरी खाना आई थिंक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका फीडिंग स्टेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे बस मीट का स्टेशन लगाया था। 92% कम्फर्ट लेवल हो गया। ओके हो गया, कम्प्लीट हो गया। बहुत तेजी से चिल्ला रहा है भाई ये। रिक्रूट साइंटिस्ट विद अ कंबाइंड वेलफेयर ऑफ स्किल 3। ओके, अभी हम क्या पे साइंटिस्ट को लेके आना है। ओके, वो साइंटिस्ट इस डायनासोर के ऊपर स्कैन परफॉर्म करेंगे, मतलब उसको ठीक करने के लिए। डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, हमको साइंटिस्ट चाहिए डायनासोर्स के। तो अभी हमको 3 साइंटिस्ट को हायर करना है। तो साइंटिस्ट को हायर करने के लिए आई थिंक उनको कंट्रोल रूम में जाना होता है। और यहाँ पे हाँ या ये आ गए, टोटल 3 साइंटिस्ट को हायर करना है हमको, 3 या 2। तो यहाँ पे हायर करते हैं। स्किल 3 होने चाहिए उनके पास। तो इसके पास 3 स्किल्स है, लॉजिस्टिक, जेनेटिक एंड वेलफेयर। या वेलफेयर इसको रिक्रूट करते कंफर्म। और एक और चाहिए जिसके पास वेलफेयर, या इसके पास भी है या वेलफेयर। ओके, तो मैंने इनको हायर कर दिया। ट्रैंकुलाइज ऑल अरोसॉरस। अभी हमको सबसे पहले इसको ट्रैंकुलाइज करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये बीमार है। तो इसको सबसे पहले हम बेहोश करेंगे और फिर हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। अभी मैंने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया है और अभी इसके बाद आई थिंक मुझे हेलीकॉप्टर की मदद से उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ओ भाई समझ गया मैं। और यहाँ पे मुझे अभी इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनके 3 स्किल्स है मेडिकल के, और यहाँ पे हम इनको असाइन करेंगे स्टार्ट टास्क। ओके, अभी ये लोग उसको हमारे साइंटिस्ट की टीम इनको ठीक करेगी। ओके ओके भाई, अभी मैं समझ गया ये बेसिकली कैसे होता है। तो आज के एपिसोड में हमको इन लोगों ने सिखाया कि भाई मतलब डायनासोर्स को अगर उनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको ठीक कैसे किया जाता है। तो ठीक है, धीरे धीरे हम लोग मतलब इस कैंपेन मोड में हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि भाई डायनासोर्स को हमको रिपेयर कैसे करना है, रिपेयर मतलब उनको ठीक कैसे करें, उसकी हेल्थ मैनेज कैसे करनी है। तो भाई डायनो को ये आई थिंक यहाँ पे लेके आएंगे। आई एम सो एक्साइटेड कि भाई ये उसको चेक कैसे करते हैं। उसकी एक हड्डी टूटी है तो आई थिंक उसकी ये हड्डी रिपेयर करेंगे। लेट्स सी, थोड़ा सा गेम का स्पीड बढ़ाते ताकि ये डायनो यहाँ पे जल्दी से आ जाए। फाइनली गेमर्स, डायनो आ चुका है और ये आई थिंक बेहोश ही है। ओह, हो गया काम शुरू। क्या हो रहा है? ये उसके ऊपर कुछ स्प्रे कर रहे हैं। पानी है क्या? पता नहीं क्या है। पानी स्प्रे करने से हड्डी कैसे ठीक होती है? आई डोंट नो। हो गया, ट्रीटमेंट कंप्लीट। वो रेडी फॉर ट्रांसपोर्ट। फाइनली गाइस, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारे डायनो का, अलोसॉरस का। और अभी हम इसको यहाँ फिर से फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया वापस इसके इनक्लोजर में। तो आई थिंक अभी ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका वापस हमको इनक्लोजर का मतलब इनक्लोजर तो इसका ऑब्वियसली ठीक है। एंड इसके भी हड्डी आई थिंक पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अभी ये डायनो उसके इनक्लोजर के अंदर भी आ जाएगा। और अभी हमको यहाँ पे एक व्यूविंग गैलरी लगानी है ये वाले डायनो के लिए। मतलब हर इनक्लोजर में एक गैलरी आई थिंक हमको लगानी होती है। ओके ठीक है, समझ गया मैं। धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। तो व्यूविंग गैलरी, वेयर शुड वी मेक इट? यहाँ पे हमारी व्यूविंग गैलरी रहेगी। हर एक इनक्लोजर के लिए अलग से व्यूविंग गैलरी होती है, समझ गया मैं। तो अभी इसका भी रोड का कनेक्शन इधर कर देते फिर, जहाँ पे हमारे लोग आके देख सकते हैं। परफेक्ट, तो विविंग गैलरी बना दी मैंने हमारे अलोसॉरस के लिए। यहाँ पे इसका कंफर्ट लेवल हो गया, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। उसकी हड्डी टूटी थी उसको भी ठीक करा। तो आई थिंक अभी हमारा ये वाला जो मतलब टास्क था वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आके हमने ये वाला पूरे पार्क को ठीक कर दिया। और ऐसे करके हमको लगभग अभी बहुत सारे पार्क को ठीक करना है अलग अलग जगहों पर जाके, तब जाके हम इस गेम को पूरी तरीके से सीखेंगे। और हो गया आई थिंक, यस, मिशन कम्प्लीटेड। वॉशिंगटन का हमारा गाइज मिशन कम्प्लीट हो चुका है। आज के एपिसोड में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हमने डायनोस के बारे में थोड़ा सा और सीखा, उनकी हेल्थ केयर उनका कैसा होता है, उनकी अगर हड्डी वगैरह टूटती है तो उनको रिपेयर करना होता है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें इस गेम में आगे भी होने वाली है। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।